अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने लगे थे चने की दाल, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं। तो इनके लिए हमें चाहिए टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, और ये हमारे पास चिकन पड़ा हुआ है 1 किलो। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम करते हैं पकानी शुरू चने की दाल। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह धो लेते हैं। तो धो के इसमें पानी डालते हैं बॉईल करने के लिए। एक साइड पे हम चिकन रोस्ट करेंगे और दूसरी साइड पे हम दाल को बॉईल करेंगे। दाल पकाने की हमारी रेसिपी है, ये टमाटर डाल रही हूँ, लहसुन अदरक भी ऐसे ही हम डालेंगे, सब्ज मिर्च, प्याज, और ये देखें हर चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। तो आधा प्याज इसमें डाला है, आधा फिर तड़का डाल बनाएंगे उसका। तो ये चिकन है, चलें जी चूल्हे ऑन करते हैं। ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका था, तो अब ये मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है वो इसमें डालते हैं। तो बस लहसुन का और प्याज का ही तड़का लगाएंगे। तो इधर हमारा हो रहा है चिकन, तो इधर ये हमारी दाल बन रही है, ये देखें। टमाटर यही जो इसमें डाले हुए हैं ना, यही बाद में इसमें डाले जाएंगे। तो ये दाल बनाने का तरीका है, ये बना के आप ज़रूर देखें, बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इसी तरीके से बनाएं और आगे भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या डालती हूँ इसमें। हाँ जी जी, अब हम दिखाते हैं आपको कि ये देखें, ये टमाटर जो मैंने ना डाला हुआ था दाल में, वो निकाल के हम इधर डाल रहे हैं। तो ये मैंने पहले दूसरा भी निकाल लिया था, तो ये देखेंगे बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम इसके साथ ही, मसाले के साथ ही इसको भूनते हैं और दूसरे मसाले भी डालते हैं। उतनी देर में ये भी जो है ना, ये घुल जाएंगे। इनका छिलका ये देखेंगे बिल्कुल उतर जाता है। ये देखें, मैंने छिलका उतार के रखा हुआ है, बिल्कुल बारीक छिलका अलहदा हो जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि एक तरफ चिकन रख लेती हूँ, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें रख लेती हूँ, ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है, खाना जल्दी बन जाता है। तो अभी मैं दाल में एक और आपको तरीका बताऊँगी कि वो मैं क्या करती हूँ, वो लास्ट में है। अम्मी जो मसाले डालने थे वो डालते हैं, तो उनमें सिर्फ ये रेड मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, तो इसके अलावा हम एक पत्ता डाल रहे हैं। तो मसाले मैंने यही डालने थे, नमक मैंने दाल में डाल दिया था। बिल्कुल सादा तड़का लगाएंगे। ये मैंने मसाला बारीक करके रखा हुआ है, बाद में ये भी डालेंगे। ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन। तो फिर इसको भूनते हैं थोड़ा सा, तो दाल भी साफ डालेंगे, वो 2 मिनट बाद डालते हैं। तो ये हमारा चिकन भी तैयार हो चुका है, तो इसमें मैं ये डालूंगी मीट मसाला, तो फिर दाल भी साथ डालती हूँ। मीट मसाले से यह है कि दाल का जायका जो है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाती है। ये मसाला तैयार हो चुका था, अब हम डालते हैं इसमें दाल।
ये देखें कितनी प्यारी दाल है, गल भी चुकी है, लेकिन 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये सारी इस तरह इसमें डाल लेते हैं। तो ये देखें दाल भी हमारी हमने भून ली है, इसमें डाली थी जो, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें तो अब यही जो पानी बचा था ये हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। तो जो पानी बचा हुआ था ना वो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये था हमारा दाल पकाने का तरीका। तो अभी 10 मिनट और इसके हैं तो अच्छी तरह नमक मिर्च मिक्स हो जाएगी, क्योंकि नमक मैंने गोश्त में नहीं डाला, वो तो सिर्फ उसी में ही डाला था दाल में, तो वही था इसमें। तो आगे सिर्फ हम बस धनिया डालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, मसाला भी डालेंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, चूल्हा हमने बंद कर दिया। तो ये हम डाल रहे हैं सब धनिया, तो ये मसाला मिक्स मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करके रखा हुआ है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम खाने लगे हैं रोटी। तो ये हमारा शाम का खाना है। तो आज हमने दाल बनाई थी, तो आपने बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।